तो दोस्तों, शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का एक और मुकाबला गुजरात और सौराष्ट्र के बीच खेला गया, जिसमें आपको बता दी कि सौराष्ट्र की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के टीम की शुरुआत बेहद शानदार रहा। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात के टीम को पहला झटका पांचवें ओवर के पहले गेंद पर लगा प्रियंक पंचाल के रूप में, जो कि 9 गेंद पर 3 चौके की मदद से 16 रन बनाया। जिसके बाद आपको बता दें कि गुजरात के टीम पावर प्ले में यानी कि 6 ओवर में 22 रन बनाकर एक विकेट अपना गवा दिया था। जिसके बाद आपको बता दें कि गुजरात के टीम को एक और बड़ा झटका 10वें ओवर में लगा उर्विल पटेल के रूप में, जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहा था। आपको बता दें कि उर्विल पटेल ने 32 गेंद में 6 चौके की मदद से 40 रन के पारी खेला। जिसके बाद आपको बता दें कि चिराग गांधी ने पारी को संभाला और 14 ओवर में टीम का स्कोर 100 रन पहुंचा दिया। जिसके बाद आपको बता दें कि चिराग गांधी ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर सका और 19वें ओवर में अपना विकेट उनादकट के हाथों गवा दिया। आपको बता दें कि चिराग गांधी ने 29 गेंद में 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 63 रन के तूफानी पारी खेला। इस तरह से आपको बता दें कि गुजरात के टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाया और सौराष्ट्र के टीम को 163 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरे सौराष्ट्र के टीम का शुरुआत उतना अच्छा नहीं रहा और पहला झटका 23 के स्कोर पर लग गया तरंग गहल के रूप में, जो कि आपको बता दें कि 11 गेंद पर 19 रन बनाया था। जिसके बाद आपको बता दें कि समर्थ बयास और पुजारा ने कुछ देर पारी को संभाला, लेकिन आपको बता दें कि 6वें ओवर में समर्थ बयास के रूप में सौराष्ट्र की टीम को दूसरा झटका लग गया, जो कि आपको बता दें कि 15 गेंद पर 35 रन के शानदार पारी खेला। जिसके बाद आपको बता दें कि पुजारा ने पारी को संभाला और टीम का स्कोर 10 ओवर में 100 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि पुजारा भी आउट हो गए, जो कि 38 रन बनाया 4 चौके और 1 छक्के की मदद से। जिसके बाद आपको बता दें कि सौराष्ट्र के टीम के विकेट गिरते चला गया। आपको बता दें कि एक समय तो लगने लगा था कि सौराष्ट्र के टीम यह मैच हार जाने वाली है, लेकिन आपको बता दें कि अंत में जय गोहिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को 19वें ओवर में ही 3 विकेट से मुकाबला